हाय गाइस, आई एम सुष्मिता बनर्जी। दोस्तों, मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई थी कि जानवरों से हमें क्या सीखना चाहिए, और वो वीडियो आप लोगों को अच्छी भी लगी थी, तो मैंने सोचा इसका सेकंड पार्ट बना लेती हूँ। दोस्तों, पिछली बार मैंने 5 ट्रिक्स बताई थी जिससे आप कोई भी चीज़ आसानी से जल्दी जल्दी सीख सकते हो। अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हो तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप उसमें क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लायन, शुरुआत करते हैं जंगल के राजा से। तो दोस्तों, ये वाला पॉइंट सरोजीत पाल ने कमेंट किया था, मैं वही आपको समझाना चाहूँगी। हम सबको पता है कि शेर कितना बहादुर होता है। एक अकेला शेर कई जानवरों पे भारी पड़ता है, तो आपको भी खुद पे उतना ही विश्वास करना चाहिए जितना कि एक शेर में होता है, तो कोई भी आपको कभी तोड़ नहीं पाएगा। डंकी, अगर आपको कोई गधा बोलता है तो आप गुस्सा हो जाते हो, तो अब से गुस्सा करना छोड़ दो और इसे पॉजिटिवली ले लो। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, डंकी हार्डवर्क करना नहीं छोड़ता। अगर आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो मेहनत करना छोड़ो मत, करते जाओ, एक ना एक दिन आपको फल ज़रूर मिलेगा। क्रोकोडाइल, दोस्तों क्रोकोडाइल से हमें जो सीखना चाहिए वो है धैर्य। वो टाइगर की तरह बहुत टाइम तक अपने शिकार के लिए धैर्य के साथ वेट करता है और सही समय आने पर अटैक करता है। वैसे ही जब तक हम अपने टारगेट तक ना पहुँचे, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। एलिफेंट, हाथी हमारा साथी। हम सबको पता है कि हाथी कितना ताकतवर होता है और वो कई बार दूसरों के हेल्प भी करते हैं, पर शायद आपको ये नहीं पता कि हाथी सिर्फ शरीर से ही नहीं, दिमाग से भी ताकतवर होते हैं। उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, उनको अपने दल की सबके चेहरे याद रहते हैं और उनको किसी भी जानवर और इंसान के चेहरे भी इतनी अच्छे तरह से याद रहते हैं कि वो 25 साल बाद भी आसानी से उनको पहचान लेंगे। तो इसी तरह हमें भी फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से ही स्ट्रांग होना चाहिए और उसे अच्छे काम में यूज़ करना चाहिए। जिराफ, क्या आपको पता है कि जिराफ जन्म देते ही अपने बच्चे को लात मारता है? जी हाँ, आपने सही सुना, कोई माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है? इसके पीछे वजह यह है कि अगर वो बच्चा वही पड़ा रहेगा तो कोई और एनिमल आके उसे खा जाएगा, इसलिए जिराफ अपने बच्चे को लात मारती है ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो सके और चल सके। इसी तरह चाहे कितने भी लोग आपको बार बार गिराने की कोशिश करें, आप बार बार उठ के दिखाओ और हर बार और भी ऊंचा उठते जाओ। हम जिंदगी से उतना नहीं सीख पाते जितना एक जानवर सिखा देता है, तो उनसे भी सीख के देखो, एक छोटी सी सीख भी जिंदगी संवार देती है। वीडियो इंस्पिरेशनल लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को। गुड बाय एंड कीप लर्निंग।